खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है, जहां मंगलवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने अपने घर के आगे से बाइक नहीं हटाने पर युवक पर गोली चला दी। ये गोली युवक के कंधे में लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सिहानी गेट इलाके का है, जहां मंगलवार देर शाम निर्देश शर्मा नाम का युवक भाटिया मोड़ पर घर के लिए सब्जी लेने गया था। इस दौरान वो अमित भाटी नाम के युवक के घर के बाहर अपनी बाइक खड़ी करके फोन पर बात करने लगा। तभी बालकनी में आए अमित ने निर्देश शर्मा से बाइक को वहां से हटाने के लिए कहा, लेकिन इतने निर्देश शर्मा कुछ कर पाता, इतनी देर में अमित ने निर्देश पर गोली चला दी। गोली युवक के कंधे में जा लगी और इस दौरान निर्देश का काफी खून बह गया। गाजियाबाद के सिटी एसपी निपर्ण अग्रवाल ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जब निर्देश शर्मा ने बाइक हटाने में देरी की तो गुस्साए अमित ने उसे गोली मार दी, जो निर्देश शर्मा के दाहिने कंधे में लगी। अनन-फानन में उसे नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज शाम लगभग 7 बजे न्यू आनंद विहार भाटिया रोड थाना सिहानी गेट में पुलिस को सूचना मिली कि एक निर्देश शर्मा नामक व्यक्ति जब अमित सिंह सन ऑफ राज सिंह नामक व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हुए बाइक पर फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब इनका अमित सिंह से कुछ विवाद हो गया, जिस पे अमित सिंह ने अपने घर की छत पर चढ़ के इनको इन पे गोली चलाई। घायल को तुरंत ही उपचार हेतु यशोदा अस्पताल नेहरू नगर लेकर गए हैं। घायल खतरे से बाहर, इनके कंधे पे गोली लगी है, इसमें तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।